आपका स्वागत है लर्निंग टाइम में। आज हम बात करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में आपकी वैकेंसी निकली है। जो वैकेंसी निकली है क्लर्क, स्टेनोग्राफर और वेरियस पोस्ट की आपकी वैकेंसी निकली है। इसके आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर सारी जानकारी है, वो मैं आपको पढ़कर बताऊंगा। तो आप हमारे इस वीडियो को पूरा देखें जिससे कि पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो बात करते हैं इस वैकेंसी में जो आपकी दे सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वैकेंसी है। मैं इसको थोड़ा नोटिफिकेशन को बड़ा कर लिया जिससे कि आपको इजीली दिखाई दे जाए। ठीक है, आपका डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी क्या है? ठीक है, महाराष्ट्र में एडवर्टाइज नंबर आप दे सकते हैं 1DPS 2020। ठीक है, तो यहाँ पे आप दे सकते हैं लास्ट आपको डेट है रिसीव्ड ऑनलाइन एप्लीकेशन की 27/12/2020 आपको रात के 12 बजे तक कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं नेम ऑफ पोस्ट आपका स्टेनोग्राफर Grade 2 ग्रुप बी नॉन गैजेट आप दे सकते हैं। आपका नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे आपको देखने मिले टोटल 2। ठीक है, क्वालिफिकेशन की बात करें आपका हाई स्कूल होनी चाहिए या उसके इक्विवेलेंट। आपकी स्पीड होनी चाहिए 100 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश शॉर्ट हैंड। ठीक है, और 45 वर्ड पर मिनट इंग्लिश टाइपिंग आपकी होनी चाहिए। ठीक है, वो शॉर्ट हैंड है और गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से। एज लिमिट 18-27 दे रखी है। ऑन द आपकी ये आपकी कैलकुलेट की जाएगी लास्ट डेट आपकी एप्लीकेशन फॉर्म के। पेमेंट बात कर सकते हैं आपके 35,400 रुपये का। ठीक है, Level 6 का रहेगा। मोड ऑफ सिलेक्शन दे सकते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप Level 2। आपका स्किल आपका टेस्ट होगा। एम्प्लॉयमेंट क्राइटेरिया आप देख सकते हैं 40% वेस्ट आप Level 1 और टेस्ट 60% वेटेज रहेगा Level 2 टेस्ट का। ठीक है, इस तरीके से आपका सिलेक्शन होगा। नेम ऑफ पोस्ट की बात करें स्टेनोग्राफर Grade 3 ग्रुप सी। ठीक है, यहाँ पे आप वैकेंसी देख सकते हैं टोटल 4 हैं, यहाँ पे आपको देखने मिल जाएगी। क्वालिफिकेशन की बात करें हाई स्कूल से 50% मार्क्स लिए हैं, 80 वर्ड पर मिनट आपकी इंग्लिश में स्टेनोग्राफर एंड टाइपिंग में आपकी 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट 18-27 दे रखी है जो कि आपकी कैलकुलेट के लिए 27/12/2020 को। पेमेंट आप दे सकते हैं 25,500। ठीक है, आपका ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा, स्किल स्टेनोग्राफर होगा, आपका वेस्ट ऑन 40% वेटेज और Level 1 टेस्ट और 60% वेटेज रहेगा Level 2 में। तो इसी के हिसाब से आपका बनेगा। यहाँ पे दे सकते हैं नेम ऑफ द पोस्ट आप दे सकते हैं अपर डिवीजन क्लर्क ग्रुप सी की। यहाँ पे आप दे सकते हैं आपकी वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएंगी, टोटल 5 वैकेंसी हैं। ठीक है, यहाँ पे आप दे सकते हैं क्वालिफिकेशन की बात करें यहाँ पे आपको रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से विद एग्रीगेट 50% मार्क्स होने चाहिए। डिजायरेबल आपकी स्पीड है 30 वर्ड पर मिनट इन टाइपिंग राइटिंग इंग्लिश नॉलेज ऑफ कंप्यूटर डाटा प्रोसेसिंग। एज लिमिट 18-27 दे रखी, लास्ट डेट आपकी कैलकुलेट की जाएगी 27/12/2020 को। पेमेंट दे सकते हैं Level 4 का रहेगा 25,500। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप आपके यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन टाइप का टेस्ट होगा, आपका डिस्ट्रिक्टिव टाइप होगा Level 1 Level 2। ठीक है, आपको मार्क ऑब्टेन इन Level 2 टेस्ट ओनली Level 1 टेस्ट विल क्वालिफाई एग्जाम स्क्रीन टेस्ट शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट टू Level 2 टेस्ट के लिए। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं जूनियर परचेस असिस्टेंट जूनियर स्टोर कीपर ग्रुप सी की आपकी टोटल वैकेंसी 63 है। यहाँ पे क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन इन साइंस विद 60% मार्क या कॉमर्स ग्रेजुएशन 60% होने चाहिए। डिप्लोमा आप दे सकते हैं इन मैकेनिकल इंजीनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर कंप्यूटर साइंस 60% या गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से 18-27 से इधर की 27/12 को कैलकुलेट करिए। Level 4 की आपकी सैलरी रहेगी 25,500। आपके ऑब्जेक्टिव टाइप और Level 2 में डिस्क्रिप्टिव टाइप के टेस्ट होंगे। यहाँ पे आपको दे सकते हैं मार्क ऑब्टेन Level 2। ठीक है, एम्प्लॉय क्राइटेरिया Level 1 टेस्ट भी आपको क्वालिफाई करने का हो जो कि आप Level 2 में आगे देख सकें। ठीक है, आपका इंडक्शन ट्रेनिंग दे सकते हैं यहाँ पे आपको बता रखा है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे मैंने आपको जानकारी दे दी। आपको यहाँ पे देखिए फिजिकली डिसेबल लोगों के बारे में जानकारी हो वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। एज लिमिट मैं बता चुका हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी और एज रिलेक्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे आपको देखिए 5 साल का SC के लिए, ST के लिए, OBC के लिए 3 साल का, फिजिकली डिसेबल के लिए आप देख सकते हैं 10 साल, UR में SC में 15 और 13 साल OBC में। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे आपको दे रखा है, बाकी डिटेल आप यहां से रीड कर सकते हैं। एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करें यहां पे जनरल इंग्लिश जनरल नॉलेज जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग क्वांटिटी एप्टीट्यूड 200 2 आवर का रहेगा, 2 घंटे 40 मिनट का आपको आपको फिजिकल डिसेबल लोगों को दिया जाएगा। ठीक है, यहां पे आप दे सकते हैं जो कि रिटन एग्जामिनेशन होगा ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे जो कि Grade 2 के स्टेनोग्राफर Grade 3 अपर डिवीजन क्लर्क के होंगे। ठीक है, यहां पे दे सकते हैं रिटन एग्जामिनेशन Level 1 के होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि रिटन एग्जाम फॉर जूनियर परचेस असिस्टेंट जूनियर स्टोर कीपर के होंगे। ठीक है, यहाँ पे बात करते हैं देखिए जनरल इंग्लिश आपका देख सकते हैं जनरल इंटेलिजेंसी रीजनिंग इन साइंस आप Level 2 के आपके स्टडी करेंगे, बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल स्टैंडर्ड 12 करेंगे, 2 घंटे का समय, फिजिकल डिसिप्लिन को आपको 2 घंटे 40 मिनट का दिया जाएगा।
ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे क्वांटिटी एप्टीट्यूड के दे सकते हैं आज, जनरल नॉलेज कंप्यूटर नॉलेज के आगे 200 रहेंगे, 2 घंटे का समय दिया गया। रिटन एग्जामिनेशन दे सकते हैं फॉर अपर डिवीजन क्लास जूनियर परचेज असिस्टेंट, यहाँ पे आप देते हैं इंग्लिश लैंग्वेज कम्प्रीहेंशन 100 3 घंटे का, ठीक है। 4 आपका डिवीजन देगा फिजिकल डिसेबल को। लेवल 2 स्किल टेस्ट आप स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 एंड ग्रेड 3 के लिए दे सकते हैं, आप यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आपको डिक्टेशन टेस्ट 100 वर्ड पर मिनट 7 मिनट का समय दिया जाएगा, मार्क्स 200। ट्रांजेक्शन टेस्ट ऑन कंप्यूटर 35 मिनट का आपके 200 मार्क्स का रहेगा। स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के लिए दे सकते हैं, आपका डिक्टेशन टेस्ट दिया जाएगा 80 वर्ड पर मिनट 7 मिनट का। ट्रांजेक्शन टेस्ट ऑन कंप्यूटर 35 मिनट का 200 मार्क रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन आपका लेवल 1 एग्जाम विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, यानी MCQ, ठीक है। यहाँ पे आप जैसे आपके जो पेपर होंगे इंग्लिश हिंदी दोनों में होंगे, पार्ट आप जैसे बी सी डी होंगे, आपका पार्ट ए जो होगा इंग्लिश का होगा। यहाँ पे देख सकते देर विल भी आपको मार्क नेगेटिव मार्किंग होगी लेवल 1 टेस्ट में, ठीक है। 1.25 आपके नंबर काट लिए जाएंगे गलत होने पर, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं फॉर द पोस्ट UGC GPA JSK, ठीक है। आपका बोथ लेवल 1 एंड 2 एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड ऑन द सेम डे, आपके सेम डे पे होंगे फॉरनून आफ्टरनून पे, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे आपका ऑल अपियर कैंडिडेट क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड लेवल 1 टेस्ट विल बी 50% मार्क्स फॉर जनरल एंड इकोनॉमिक वीक सेक्टर एंड 40% OBC एंड ST फिजिकल कैंडिडेट के लिए रहेगा, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं डिस्ट्रिक्टिव टाइप आपका सीट होंगी लेवल 2 एग्जामिनेशन शैल बी एवेल्युएट फॉर सच कैंडिडेट हु क्वालिफाइंग द लेवल 1, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे आपको जानकारी आ रही है वो यहाँ पे आप दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर द पोस्ट फॉर JPA JSK दे सकते हैं। आपको मेडिकल एग्जामिनेशन सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी इंडक्टेड बाई ट्रेन, तो पीरियड 6 मंथ का रहेगा। कंसिडरेड स्टिपेंड आपका रहेगा 18,000 पर मंथ, ठीक है। आपका जो ग्रांट अलाउंस रहेगा वन जो यहाँ पे देगा 3,000 रहेगा, बाकी डिटेल यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो ये डिटेल है ऑनलाइन एप्लीकेशन किस तरीके से आवेदन कर सकते हैं वो यहाँ पे दे रखा है। 100 रुपये फीस रहेगी और ST वुमेन हैंडीकेट एक्सक्रिमिनल PWD उनसे एग्जेम्प्ट रहेंगे फीस के लिए, ठीक है। यहाँ पे आपको डिटेल दे रही है किस तरीके से आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको दे रखा है इसके बारे में, आप यहाँ से रीड कर सकते हैं जनरल इंस्ट्रक्शन को, यहाँ पे आप जानकारी देख सकते हैं, ठीक है। तो सारी आपकी जो महत्वपूर्ण जानकारी मैंने बता दी है आप यहाँ पे आप रीड कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं इसके फॉर्म फिलिंग की प्रोसेस पे। तो आपको सिंपली क्या करना होगा, न्यू रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करना होगा, ठीक है। वहाँ पे आपको इस तरीके से वैकेंसी सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या आपके पास न्यूनतम 50% अंक कुल है, तो डिग्री सामान्यतः तो यस कर दीजिएगा इस तरीके से, ठीक। यहाँ पे आपका प्रत्याशी का नाम, वर्ग, आपको क्या फिजिकल डिजेबल है या नहीं, इस तरीके से सारी जानकारी आपको यहाँ पे प्रोवाइड करानी पड़ेगी। लेखक की सहायता जरूरत है या नहीं, विकलांग के प्रकार, जो भी यहाँ पे आपको डिटेल आ रहा है वो यहाँ पे आपको देना होगा। आप क्या जम्मू के आदिवासी हैं या नहीं, ठीक है, विभाग के उम्मीदवार हैं या नहीं, तरी जो भी आपकी जानकारी आ रही है, एक्स सर्विसमैन है या नहीं, तो यहाँ पे आपको सेवा का प्रकार बताना पड़ेगा, ठीक है। महीने के सेवा की अवधि बतानी पड़ेगी। आपको क्या आपको 1984 के दंगों से पीड़ित हैं या नहीं, इस तरीके से सारी जानकारी यहाँ पे आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। तो उसका विस्तार से मैं वीडियो बताऊंगा किस तरीके से आवेदन करना होता है, इसकी जानकारी मैं अलग से दूंगा। फिलहाल मैंने आपको दिखा दिया इस तरीके से यहाँ पे आप आवेदन कर सकते हैं। अगर फ्रेंड ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल से जुड़ें, मैं डेली आप लोगों के लिए गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड आपके लिए वीडियो बनाता रहता हूँ। फ्रेंड वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।